हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है और आप लोग देख सकते हैं 15 तारीख का दिन है और यहाँ पे मैं खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हूँ। उससे पहले मैं दान के लिए ये खिचड़ी निकाल देती हूँ। यहाँ पे आलू, हल्दी और तिल, काले वाले और काले वाले उड़द की दाल, और यहाँ पे चावल, और यही सारी चीज़ें हैं जो दान के लिए हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको मैं पहले निकाल के रख देती हूँ, उसके बाद में मैं खाना बनाती रहूँगी। तो 14 तारीख को खिचड़ी तो मैंने बनाई नहीं थी, तो आज मैं सुबह 15 तारीख को बना लेती हूँ यहाँ पे। और दान भी मैंने 14 तारीख को नहीं किया था, तो आज ही मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करके यहाँ एक एक अलग अलग करके यहाँ पे मैंने पोलोथीन घरा में रख दिया है। तो मैं पंडित जी जब आएंगे तो मैं दे दूँगी, नहीं आएंगे तो उनके घर भिजवा दूँगी और नहीं तो मंदिर में भिजवा दूँगी। तो पहले मैंने इसको निकाल के अलग रख दिया है उनके नाम की, और यहाँ पे ये पैसे मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे। चलो मैं उसी में डाल देती हूँ, तो नहीं तो ऐसे भूल भटक हो जाती है, तो इससे अच्छा उसी में मैंने डाल दिया। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में खिचड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी को रख दिया है, तो पानी यहाँ पे आराम से अपना गर्म होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने हींग रख दी है, और यहाँ पे मैं नमक डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। और ये नए चावल है तो इनमें थोड़ा सी दिक्कत होती है चिपकने के लिए, तो इसलिए मैंने पानी गर्म रख दिया है पहले। और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही, और आज ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही, इसकी वजह से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आग भी जलने लगी है और लाइट नहीं है, तो इसकी वजह से आग यहाँ पे बच्चे जला रहे हैं, क्योंकि इतनी ठंड तो बस बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, दाल मैं गबड़ रही हूँ खिचड़ी में, तो ये हरी वाली उड़द की दाल है। इसकी खिचड़ी अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है, लेकिन हाँ ये दाल कुछ ज़्यादा पड़ती है, इसकी वजह से खिचड़ी मैंने यहाँ पे मिला के रख दी है। और पानी भी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो यहाँ पे मैं खिचड़ी डाल देती हूँ पानी में, तो अच्छे से पक जाएगी। और एक दो बार इसको मैं चला दूँगी ताकि ये अच्छे से नीचे चिपके नहीं। तो खिचड़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। और यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले मैं भोग के लिए खिचड़ी निकालती हूँ, और उसके बाद में मैं गाय के लिए निकाल दूँगी, बस फिर बाकी लोगों को मैं यहाँ पे खाना दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी निकाल दी है, जो जो चीज़ मैंने बनाई हुई है वही मैं पहले निकाल देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले भगवान को लगा देती हूँ भोग, और उसके बाद में मैं खिचड़ी सबके लिए निकाल देती हूँ। और जो है आज खिचड़ी मकर संक्रांत के दिन, जब संक्रांत लगती है तभी खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी खुशबू ही अलग होती है और खिचड़ी खाने की बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैंने भगवान के लिए लगा दिया है भोग, और उधर मैं सबके लिए लगा देती हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि बस सभी ने खिचड़ी कल नहीं खाई थी, तो बस सब इंतजार में है कि खिचड़ी कब खाई जाए। और संक्रांत की ही बात ही अलग होती है, और खिचड़ी उसमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हमारे लोगों के यहाँ बस सिंपल खिचड़ी बनती है, कहीं कहीं तो मसाले वाली खिचड़ी बनती है, लेकिन नहीं, हमारे लोगों के यहाँ ऐसे ही खिचड़ी बनती है, और उसके साथ में दही बड़े बनते हैं, लेकिन दही बड़े हमने नहीं बनाए थे, सिर्फ पकौड़ियाँ ही बनाई थी। सर्दी का समय है और सर्दी भी बहुत जल्दी हो रही है, इस टाइम तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसकी वजह से मैंने पकौड़ियाँ यहाँ पर बना ली थी। और ये देखिए लाइट भी आ गई है यहाँ पर, और हीटर भी चल रहा है यहाँ पर, मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और बस सबके लिए मैं खाना यहाँ पर लगा देती हूँ और सभी लोग खाना खा लेंगे। और उसके बाद में मैं देखूँगी कि क्या करना है। और गाय के लिए मैंने पहले ही निकाल के रख दिया है, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मैंने गाय को अभी नहीं दिया है। हाँ, उनके नाम की मैंने निकाल के रख दिया है, तो मैं अभी बाद में दे दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग भी आके खा लीजिए। तो ये गर्मा गर्म खिचड़ी, ये मकर संक्रांति की खिचड़ी है, तो ये त्यौहार होते ही ऐसे अच्छा लगता है जब ये त्यौहार आते हैं, और खाने पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं खिचड़ी ठंडी हो चुकी है, तो मैं गाय के लिए देने जा रही हूँ, तो गाय भी अपना खा लेंगी। तो गाय वहाँ मैंने अंदर ही बंधवा दी थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बाहर हो रही है और धूप बिल्कुल नहीं निकली है, इसकी वजह से जानवर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और जानवरों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और बस उनके ऊपर उड़ाने के लिए तो होता है, लेकिन इतनी ठंड में हवा भी बाहर चल रही थी, इसकी वजह से मैंने कहा इनको अंदर ही बांधो और अंदर ही चारा ही खाते रहेंगे अपना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं आ गई हूँ इनको खिलाने के लिए। तो थोड़ी सी खिचड़ी मैं अपनी बछड़ी को दे दूँगी, और थोड़ी सी गाय के लिए दे देती हूँ, तो ये भी लोग खा लेंगी खिचड़ी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सबके लिए यहाँ पे दे दिया है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी चलती हूँ दूसरे काम के लिए।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था, बस मन ही नहीं किया क्योंकि तबीयत इस टाइम हमारी नहीं सही है, इसकी वजह से दवा खा खा के सारे काम कर रहे हैं। और शाम को ये दीदी लोग आ गई थी क्योंकि हम लोगों ने इंतज़ार किया था सुबह की सुबह आएंगी और जीजा लोग भी आते, लेकिन वो लोग नहीं आए थे। तो सुबह इंतज़ार किया था तो ये लोग नहीं आए थे और शाम को बस दीदी ही लोग आई थी, दोनों बहनें आई हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं, तबीयत हमारी नहीं सही है तो दीदी कह रही हैं कि चलो हम लोग करा लेते हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और रात भी काफ़ी हो गई थी तो यहाँ पे ये खिचड़ी सुबह बन गई थी, लेकिन शाम को खिचड़ी फिर अच्छी नहीं लगती है, दोबारा से बना दूँगी लेकिन सुबह बनाऊँगी। अभी तो मैं कचौड़ियाँ बना रही हूँ यहाँ पर, तो जैसे ही कचौड़ियाँ पूड़ियाँ जैसे ये चीज़ें होती हैं बना लो तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी वजह से यहाँ पर कचौड़ियों की तैयारियाँ हम लोगों ने कर ली थी। यहाँ पर मैं निकालती जा रही हूँ और दीदी नीचे भरती जा रही हैं। होता है किसी किसी की आदत होती है बस खड़े होने में, कोई कोई नहीं बना पाता है खड़े होके, और हमारी आदत है कि मैं खाना खड़े होकर ही बनाती हूँ क्योंकि आदत होती है अपनी अपनी, और ये लोग घर में अपने बैठ के बनाती हैं तो बस इनकी ऐसे ही आदत है। और इधर ये देखिए भाई बहन खा रहे हैं और उधर मैं और दीदी बना रही हूँ, तो वो अपना भरती जा रही हैं और मैं इधर निकालती सेंकती जा रही हूँ कचौड़ियाँ। तो हम लोग फटाफट बना लेते हैं और ये भी लोग खा लेंगे क्योंकि गरम गरम जब खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अभी ये लोग खा रहे हैं और अभी दीदी खा लेंगी, फिर उसके बाद में कोई दूसरा काम कर लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। तो यहाँ पर ये खाना खा के ये देखिए यहाँ लीड लगाए हुए थी, मोबाइल सुन रही थी, बच्चों ने यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, कह रहे हैं कि दीदी सुन ही नहीं रही हैं, इनको आवाज़ दे रहे थे तो ये बिल्कुल लीड लगाई हुई थी तो इनको सुनाई नहीं पड़ रहा था तो वो हंस रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं, यही होता है त्योहारों के दिन यही होते हैं, तो गेस्ट आते हैं अच्छा लगता है, लेकिन हमारे घर इस बार कोई नहीं आया है और दीदी ही सिर्फ आई हुई हैं, ऐसे काफ़ी लोग आ जाते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता था। और यहाँ पर खाना बन गया था, हम लोग भी खा रहे थे तो सारे लोग फ्री हो चुके हैं, तो यहाँ पर टीवी भी चल रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और रात भी काफ़ी हो गई थी, तो हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं, बस हम दो लोग बचे हुए थे और बच्चे और घर के सारे लोगों ने खा लिया था। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए और ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, और यही होते हैं त्यौहार हम लोगों के छोटे मोटे, तो इसी में हम लोग इंजॉय करते हैं और ये भी लोग आ जाती हैं तो इसी बहाने मिलना हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।